ऐसा बीच जहाँ पर टर्टल नेस्टिंग होती है। क्या आपने सुना है ऐसे बीच के बारे में? हाँ दोस्तों, ऐसा बीच गोवा में है और इस बीच का नाम है गालजीबाग बीच। टर्टल नेस्टिंग गोवा में दो बीचेस पे होती है। नॉर्थ गोवा में है अपना मोरजिम बीच और साउथ गोवा में है अपना गालजीबाग बीच। दोस्तों, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल देसी ट्रेवलर, देन जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वो बेल आइकन दबाना ना। ऐसा बोलते हैं कि आपको गालजीबाग पर आपको ऑलिव रिडली टर्टल देखने को मिलते हैं। अभी जाके देखते हैं वहाँ पर हमको कोई टर्टल मिलता है या नहीं। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं गालजीबाग। दोस्तों, ये गालजीबाग बीच बहुत फेमस है ऑलिव रिडली टर्टल की वजह से, और यहाँ पर ऑलिव रिडली टर्टल्स की नेस्टिंग होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। दोस्तों, साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पर ऑलमोस्ट कोई भी शेग्स नहीं है। दिस इज बिकॉज यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड है। आपको यहाँ पर कोई वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज भी नहीं मिल सकती, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इनका जो मेन पर्पस है यहाँ पर ऑलिव रिडली टर्टल्स है उनको प्रोटेक्ट करना, बिकॉज यहाँ पर वो नेस्टिंग करती है अपनी। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल देसी ट्रेवलर येट, देन दोस्तों प्लीज जाके मेरे चैनल देसी ट्रेवलर को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वो बेल आइकन भी दबाना ना भूले। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपको एक बहुत ब्यूटीफुल बीच अभी देखने को मिलेगा, बिकॉज ये बीच डेफिनेटली ब्यूटीफुल है। साथ ही साथ हम अभी देखेंगे कि हमको कोई टर्टल्स देखने को मिलता है या नहीं। दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद द व्लॉग एंड सी यहाँ पर हमें कोई टर्टल मिलता है या नहीं। दोस्तों, यहाँ पर उन्हें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है, अभी जाके जल्दी से देखते हैं इन्होंने यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दी है हमें। दोस्तों, अगर मैं इस बीच के बारे में बोलूं तो आपको मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ, मैंने आज तक इस बीच के जैसा ब्यूटीफुल बीच अभी तक मेरे लाइफ में नहीं देखा है। मैं आई एम अ बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गोवा, बट दोस्तों मैं ये बीच पहली बार विजिट कर रहा हूँ। और दोस्तों, आप देख सकते हो बीच बहुत ब्यूटीफुल है। ये एक वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीच है इंडिया का, बिकॉज दोस्तों मैंने बहुत सारा रिसर्च करके भी देखा था, और उस रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट बीच है पूरे इंडिया का। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर सीन्स कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती है, जैसे कि यहाँ पर आपको शेक्स देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कोई बोटिंग एक्टिविटी वगैरह नहीं है। तो दोस्तों, ये बीच बहुत क्लीन है, आपको ज़्यादा टूरिस्ट भी देखने को नहीं मिलता है। सो इसलिए दोस्तों, आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये क्लीनेस्ट बीच है पूरे इंडिया का। इन टर्म्स ऑफ दोस्तों, यहाँ का अगर एनवायरनमेंट के बारे में मैं बोलूँ तो एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। सिंस मैं अभी शाम के समय अभी यहाँ पर आया हूँ, तो यहाँ पर अभी उतनी धूप भी नहीं है और मुझे एक काफ़ी अच्छा अनुभव यहाँ पे मिल रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर एक वाइब्स भी अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर बीच पर एंटर करते समय आपको थोड़े से ट्रीज देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये बीच कानकोना में आता है और आपको ऑलमोस्ट 7 to 8 kilometers की दूरी पर है ये पालोलेम बीच से। और दोस्तों, यहाँ पर सिंस पालोलेम बीच नज़दीक होने के कारण यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा कि पालोलेम बीच पे ज़्यादा भीड़ रहती है, बट यहाँ पर आपको ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलती है, बिकॉज यहाँ पर सिंस कमर्शियल एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड है। और दोस्तों, डेफिनेटली इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई आउट अ बीच जहाँ पर आपको एक पीस और काम एनवायरनमेंट चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस बीच पर आके देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, एंड आई विल डेफिनेटली गिव अ थम्स अप फॉर दिस बीच, बिकॉज एक प्रोटेक्टेड बीच है बिकॉज ऑफ द ऑलिव रिडली टर्टल्स। अभी तक तो मुझे कोई ऑलिव रिडली टर्टल्स देखने को नहीं मिले हैं, पर देखते हैं अभी आगे और जाके कि हमें कोई ऑलिव रिडली टर्टल्स देखने को मिलते हैं या नहीं। If you are a person like me जिसको एक काम और शांत जगह पसंद है, तो दोस्तों आप यहाँ पर ज़रूर आइए। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर का जो नज़ारा है वो डेफिनेटली माइंड ब्लोइंग है। गोवा में आप जब भी आओ ये बीच ज़रूर चेकआउट करो। सेकेंडली आई विल टेल यू गाइज दैट
दोस्तों प्लीज यहाँ पर जब भी आप आए तो कुछ भी प्लास्टिक यहाँ पर मत फेंकिए, बिकॉज दोस्तों ये क्लीनेस्ट बीच है। हो दिस इज द बेस्ट एंड द ब्यूटीफुल बीच दैट आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ दोस्तों। ऊपर की तरफ दोस्तों आपको थोड़े से हट्स और थोड़े से रेस्टोरेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, उनको नीचे यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज करने को नहीं मिलती है, बट दे कैन डू द कमर्शियल एक्टिविटी अबाउट द बीच। अभी जो आप देख रहे हैं वो एक डेड स्मॉल बेबी टर्टल है दोस्तों, यहाँ पर आपको ऐसे ही और देखने को मिल सकते हैं। अभी तक तो दोस्तों मुझे एक अलाइव टर्टल देखने को नहीं मिला है, पर दोस्तों हाँ एक जरूर एक डेड टर्टल देखने को मिला, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है। यू शुड ऑलवेज नोट डेट दोस्तों, आप जब भी यहाँ पर आओ कि आपको अगर एक टर्टल मिल भी जाए तो आपको उनको हानि नहीं पहुँचानी है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ वो बेल आइकन भी दबाना ना भूले, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही ब्लॉग्स बनाते रहता हूँ। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़े रॉक्स है, अभी हम उनपे जाके देखते हैं यहाँ पर से रॉक्स पे से नजारा कैसा दिखता है। यहाँ पर नजारा बहुत ही अच्छा है, और आप देख सकते हो यहाँ पर जो वेव्स आते हैं वो डायरेक्टली इन पत्थर से टकरा के बहुत ऊपर आते हैं, और आपको उन्हें देखने में बहुत मजा आता है। तो यहाँ पर जो सनसेट है वो भी काफी अच्छा है। यहाँ पर दोस्तों और एक ब्यूटीफुल जगह है, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, और दोस्तों आपने बहुत सारे फोटोज में देखा ही होगा ये पर्टिकुलर स्पॉट जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सेकेंडली दोस्तों मुझे और एक इंटरेस्टिंग थिंग मिला है, यहाँ पर नीचे आप जो ब्लैक और थोड़े से ग्रीनिश कलर में देख सकते हो कुछ तो है, वो बेसिकली सी शेल्स है। इन लोकल लैंग्वेज इन कोंकणी हम इसको शिनाण्यो बोलते हैं, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट सी शेल्स यू कैन हैव इन गोवा। और दोस्तों डेफिनेटली वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, बिकॉज आपको वो रेयरली मिलते हैं। अभी आप देख सकते हो ये बहुत छोटे छोटे सी शेल्स है, इसको हम शिनाण्यो बोलते हैं, और ये बहुत क्वांटिटी में है यहाँ पर दोस्तों। सो ऑलमोस्ट लाइक आई कैन से इन देयर इन लैक्स ओवर हियर। और ये जो पूरा यहाँ पर सीशोर है, यहाँ पर पूरे एरिया पर आपको यही सब दिख जाएंगे। इस बीच पर दोस्तों डेफिनेटली आके तो मुझे बहुत सरप्राइजेस मिले हैं, जैसे कि यहाँ पर मुझे आके सीशेल्स देखने को मिले हैं, साथ ही साथ मुझे यहाँ पर आके एक ब्यूटीफुल बीच देखने को मिला है, वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट बीच ऑफ इंडिया देखने को मिला है। एंड डेफिनेटली आई विल से दैट यू शुड चेक आउट दिस बीच, बिकॉज आई टोटली रिकमेंड यू दिस बीच। और दोस्तों आई एम श्योर आपको यहाँ पर आके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, साथ ही साथ यहाँ पर एक अच्छी पार्किंग एरिया है, और यहाँ पर कोई पेड पार्किंग वगैरह नहीं है, सो डेफिनेटली देयर इज अ फ्री पार्किंग ओवर हियर। सेकेंडली एक्सेसिबिलिटी, जस्ट एक गोवा और कारवार जो कर्नाटका में आता है उसके बॉर्डर पर ही है। सेकेंडली यहाँ पर आपको पालोलेम बीच से सिर्फ ऑलमोस्ट 7 to 8 किलोमीटर से आप यहाँ पर पहुँच सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट अभी 6 बज गए हैं, और आई एम नॉट इवन टायर्ड नाउ बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट ओवर हियर, और जैसे कि यहाँ पर जो वाइब्स है वो भी काफ़ी अच्छे वाइब्स है। सो दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इट हेल्प्स मी एंड इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर कंटेंट लाइक दिस। जैसे कि आपको पता ही होगा मैं पूरा
ट्रैवल रिलेटेड व्लॉग्स बनाता हूँ मेरे चैनल देसी ट्रैवलर पर। और मेरा इतना ही ख्वाहिश है दोस्तों कि आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट आपके लिए बनाता जाऊँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये गाजी बाग बीच व्लॉग पसंद आया होगा। दोस्तों ऐसे ही और व्लॉग्स देखने के लिए जल्दी से जाके मेरे चैनल देसी ट्रैवलर को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और दोस्तों डेफिनेटली वो बेल आइकॉन भी दबाना ना भूले, बिकॉज जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगा। टिल देन साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।